Hello, good morning all of you. Now today we are going to learn our maths, M A T H S, maths, okay, of standard 6. Is that clear? Okay, so our chapter number 2 is whole numbers. So first question is our exercise number 2.1. So हमारा question number 1 जो है उसमें ऐसा लिखा है, write the next 3 natural number. क्या लिखा है? Write the next 3 natural numbers after 10999. Okay, so as you know that answer will be, so यहाँ पे this is your number. So यहाँ पे number क्या है sir? 10999. अब यहाँ पे already लिखा है after, तो after का meaning होगा कि हम इसके अंदर 1 add करेंगे. क्या add करेंगे? 1 add करेंगे. So 9 + 1 is equal to 10. 10 का मीनिंग, 10 का 0 यहां पे रखेंगे, 1 कैरी करेंगे. 9 + 1 इज इक्वल टू 10, 1 कैरी करेंगे. 9 + 1 इज इक्वल टू 10, 1 कैरी करेंगे. तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1 आएगा, और यहां पे तो ऑलरेडी 1 है ही. सो आर आंसर इज 11,000. हमारा आंसर क्या होगा? 11,000. सो हमारा फर्स्ट नंबर होगा 11,000. ओके, आफ्टर दैट यही 11,000 जो है उसके अंदर हम एक 1 और ऐड करेंगे. क्यों ऐड करेंगे? तो हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर दिस नंबर. ठीक है, तो यहां पे एक और ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा. सो हमारा सेकंड नंबर कौन सा हुआ? 11,001. ओके, आफ्टर दैट अब ये नंबर जो है, दिस नंबर वी विल ऐड 1 इन इट. ये जो नंबर है उसके अंदर हम एक नंबर और ऐड करेंगे तो क्या होगा सर? 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, आफ्टर दैट 1 आएगा. सो थर्ड नंबर इज 11,002. ये हमारा तीसरा नंबर होगा. क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर कंप्लीट हो चुका है. नाउ यहाँ पे आंसर लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा. ठीक है, नाउ लेट्स लर्न अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? सो राइट द 3 whole numbers. राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001. क्या होगा? 10,001. यानी कि यहां पे क्या लिखा है? होल नंबर लिखना है. कौन सा नंबर लिखना है? होल नंबर. कहां का होल नंबर? तो बिफोर 10,001. ये जो 10,000 है उसके आगे वाले नंबर लिखने हैं. कितने नंबर लिखने हैं सर? 3 नंबर्स लिखने हैं. तो हम यहां पे क्या करेंगे सर? आंसर लिखेंगे. वन नंबर इज 10,001. ये 10,000 है. तो बिफोर का मीनिंग क्या होगा सर? माइनस करना होगा, यानी कि माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा सर? 10,000 आएगा सर. 10,000 इज द आंसर. ठीक है, अब यहां पे सेकंड नंबर है, तो वन नंबर का आंसर होगा 10,000. नाउ सेकंड नंबर है, तो ये जो 10,000 है इसको यहां पे लिखेंगे 10,000 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा सर? यहां पे 10 बोरो करना पड़ेगा, यहां पे 9 करेंगे, यहां पे 9 आएगा, यहां पे 9 आएगा, और इसको कट करके यहां पे 0 लगाएंगे तो यहां पे 9 आएगा, अगेन 9 आएगा, आफ्टर दैट अगेन 9 आएगा, एंड अगेन 9 आएगा. तो यहां पर सेकंड आंसर कितना हुआ? 9,999. ठीक है, अब यहां पे इसको यहां पे तीसरा नंबर का आंसर लिख रहे हैं 9, 9, 9 and 9. यही वाला नंबर मैंने यहां पे लिखा. अब माइनस करते हैं, 1 करेंगे तो क्या होगा? 9 - 1 =
8 होगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ वाला भी 9 यहाँ पे आएगा. सो आवर थर्ड आंसर इज 9998, यानी कि 9998. ये हमारा सेकेंड नंबर का आंसर हुआ. ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं. थैंक यू वेरी मच.